हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं ये गाड़ी को मॉडिफाई किया हूँ पावर के लिए। तो आप भी ऐसे मेरी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं गाड़ी पावर के लिए। इसमें आपको क्या करना है, जो कंपनी की ओरिजिनल क्लच प्लेट आती है उनको निकाल के फाइबर की प्लेट डाल दीजिए। कहने का मतलब, इसमें कंपनी की 5 प्लेट आती है उनको निकाल के आपको 6 प्लेट करना है, 5 फाइबर की जो साथ में आएगी और एक आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो टोटल 6 प्लेट आपको डालनी है। 6 प्लेट डालने से गाड़ी का पावर ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए, मैंने अपनी गाड़ी में 6 प्लेट डाली हुई है, ये देखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप भी ऐसे चेंज करना है और उसके बाद आपको जो गाड़ी के है ऐसे देखिए, एयर सर्कुलेशन के लिए पूरी क्लच बेल में जगह जगह ऐसे आपको होल करवाने हैं। कहने का मतलब, होल करने से क्या है, गाड़ी में ऑयल हर जगह पहुँचेगा और उससे गाड़ी पावर होगी और प्लेट जल्दी नहीं घिसेगी। तो ऐसे देखो मैंने दोस्तों किया, वैसे आप खाइबर प्लेट और क्लच बेल को ऐसे ऑल्टरेशन करना है। ये देखिए, मैंने टोटल 6 प्लेट डाली है, तो क्या हाफ 6 प्लेट डालने के बाद में हाफ क्लच कर दीजिए तो गाड़ी फटाक से उठेगी। ऐसे देखिए, ये देखिए दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए हेड पे आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे 3 होल करने, जिससे एयर थ्रो अच्छा रहेगा और गाड़ी का इंजन कूल हो रहेगा, पिस्टन कूल रहेगा। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कार्बोरेटर में ऐसे नीडल डाल के आप ऐसे वॉल्व में डाल दीजिए, ताकि इससे जो भी है हवा के साथ में थोड़ा पेट्रोल भी अंदर जाएगा तो गाड़ी को ताकत मिलेगा और पावर बढ़ेगा गाड़ी का। और इसके बाद में अंदर जो मेन जेट होते हैं और पायलट जेट, दोनों ओरिजिनल निकाल के इम्पोर्टेड आते हैं मलेशिया के, वो डालिएगा, उससे गाड़ी का पावर अच्छा रहेगा और पेट्रोल फुल मिलेगा गाड़ी को। उसके बाद जो कहने का मतलब, जो नीडल आती है अंदर उसको निकाल के, कार्बोरेटर का जो एक्सीलेटर के ऊपर नीडल आती है उसको निकाल के मुँह थोड़ा घिस दीजिएगा, उससे पेट्रोल थ्रो फुल रहेगा। तो ये तो आपको करना है कार्बोरेटर ऑल्टरेशन। उसके बाद में आती है वॉल्व में, वॉल्व में जो स्टील प्लेट आती है उसको निकाल के आप अंदर फाइबर का प्लेट, इम्पोर्टेड आता है, मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल या ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उस फाइबर को प्लेट डालिए ताकि अंदर पूरा पेट्रोल अपने पहुंच सके। तो ये 3-4 काम आपको करने हैं दोस्तों, एक तो क्लच बेल, क्लच प्लेट और कार्बोरेटर और वॉल्व, ये 4 काम करने से अपनी गाड़ी का पावर पिकअप ज़बरदस्त बढ़ जाएगा, गाड़ी रेसिंग करने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, ये करने से ही गाड़ी का मेन जो है यही है। इसके बाद में जो बोर का है, ओरिजिनल बोर आप रख दीजिए अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने अपनी गाड़ी में किया और परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, गाड़ी का पिकअप मैंने चेक करूंगा और आपको जो भी है रिप्ले बताऊंगा अगले वीडियो में दोस्तों। और एयर फिल्टर भी आप चेंज कर दीजिएगा, ओरिजिनल निकाल के इस टाइप का डाल दीजिएगा। कार्बोरेटर में जो है पायलट जेट चेंज करना है और क्लच प्लेट नहीं डालना है, बेल में होल करना है और वॉल्व में नीड वॉल है उसमें आपको प्लेट नया डालना है। तो ये आप ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं, आप गाड़ी के इंजन मॉडिफाई में पावर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।